नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज बात करेंगे सावधान, कोरोना अभी गया नहीं, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर के बीच एक राहत की खबर यह है कि कोरोना के केस में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज की अगर बात करें तो देश में बीते 24 घंटे में 2568 नए मामले सामने आए हैं। देश में 19,137 मरीज एक्टिव हैं, जबकि 2,911 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि एक दिन में 20 मरीजों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है, जबकि प्रदेश में 439 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वही 434 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें जिलों की तो गुरुग्राम आज भी नए केसों के मामले में सबसे ऊपर है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 350 नए मामले सामने आए हैं। बीते कल के अनुसार आंकड़ों का ग्राफ नीचे तो गया है, लेकिन इससे भी अभी भी राहत की सांस नहीं ली जा सकती, क्योंकि अभी भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ ही रहे हैं। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि बीते दो दिनों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन फिर भी कोरोना से राहत अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में कोविड नियमों का पालन जरूरी है। तो हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिला था। हालांकि बीते दो दिनों से मामलों में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर बात करें प्रदेश में जिलों की तो सबसे ज्यादा मामले अभी भी गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 350 कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 59 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। तो देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, और ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर नियमों का पालन करेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे, आपका और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वक्त वक्त पर सैनिटाइजर जो है वो यूज करते रहे। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, और खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से भी बचें, तो क्योंकि प्रदेश में भी अब कोरोना का कहर जो है वो जारी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2,478 पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की, तो बीते 24 घंटे में 434 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गुरुग्राम फिर से कोरोना के मामलों में सबसे ऊपर रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले अभी भी गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए गुरुग्राम आज भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 350 पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बात यहाँ पर यह भी है कि जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है। तो लगातार बढ़ते केस कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो जस का तस है। 3509 लोगों के सैंपल गुरुग्राम में लिए गए थे बीते 24 घंटे में, जिसमें से 350 का पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। 9.46 कल का पॉजिटिविटी रेट रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि टेस्ट कम हुए हैं तो पॉजिटिव पेशेंट कम आए। अगर टेस्ट बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जाएगा, आंकड़े लगातार बढ़ेंगे, तो लगातार कोरोना जो है अभी गुरुग्राम में अपना कहर बरपाए हुए है। और हमें चाहिए कि इससे बचने के लिए हम प्रॉपर तरीके से मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन करें। इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग भी हमें समय समय पर करना चाहिए, नहीं तो ये कोरोना विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि जिस तेजी से हम पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं कि केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे का संकेत जरूर है। लेकिन प्रवीण जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी बीते दो दिनों में जो है मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, तो क्या टेस्टिंग कम होना इसके मुख्य वजह नजर आई है, या फिर लोग जागरूक अब नजर आ रहे हैं? जी देखिए जागृति, गिरावट हम इसको एक स्थायी गिरावट नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब भी 9.46 है, उसको गिरावट नहीं कह सकते। हाँ, टेस्टिंग में जरूर कमी हुई है, क्योंकि 3500 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 350 का पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है
कि पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है और ये पॉजिटिविटी रेट ही हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि 5000 से ऊपर टेस्ट का लक्ष्य अब रखा जाएगा और प्रशासन उस ओर बढ़ भी रहा है। अगर 5000 टेस्ट का लक्ष्य रखा जाता है तो यही माना जाता है कि आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो कोरोना के नंबर्स जरूर घट रहे हैं, लेकिन कोरोना नहीं घट रहा है, कोरोना लगातार हमारे बीच में बना हुआ है और उसी तेजी के साथ बना हुआ है, क्योंकि जो परसेंटेज है, जो पॉजिटिव परसेंटेज है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो केसों को हम कम नहीं मान सकते, बल्कि ये केस और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पाले राम जी भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब जो है लगातार देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, क्या ये चौथी लहर का संकेत है और कितनी घातक हो सकती है चौथी लहर? देखिए, अभी जो चौथी लहर की बात है उसकी ये नहीं कहा जा सकता कि चौथी लहर आएगी, क्योंकि अभी जो ज्यादातर केसेज है, जो वायरस है, वो ओमिक्रॉन वेरियंट ही है, कोई नया वायरस नहीं आया है। ये थोड़ी सी लापरवाही जरूर आम जनता के तौर पे बड़ी है कि उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया, जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसकी पालना नहीं की जा रही है। और खासकर अगर मैं हरियाणा में बात करूँ तो एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके कम केस ही है, कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कोविड प्रोटोकॉल की पालना जरूरी है और सावधानी जरूरी है। जी बिल्कुल, प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार जो है, गुरुग्राम वो जिला बना हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन जो है वो किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करे। यहाँ पर मौजूद हैं, सबको अलर्ट पर रखा गया है और जागरूकता की जहां तक बात है, संचार माध्यमों से लगातार जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है आप उसका सख्ती के साथ पालन कीजिए, आप मास्क लगाइए, और बिना मास्क लगाने वालों का 500 रुपए का चालान भी काटा जा रहा है। बावजूद इसके जो बाजारों में भीड़ है वो कहीं ना कहीं बेकाबू नजर आती है, मास्क नहीं लगाती है, तो ये भी एक कारण है कि जो गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम हॉटस्पॉट बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि गुरुग्राम एक कॉरपोरेट हब है, तो यहाँ पर दिल्ली से और देश से विदेश से हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है, तो कहीं ना कहीं उसका वो भी एक कारण बनता है गुरुग्राम में केस बढ़ने का, क्योंकि बाहर की जनता गुरुग्राम में बहुत है। वैसे तो गुरुग्राम 100% वैक्सीनेटेड जिला घोषित कर दिया गया है, बावजूद इसके भी कुछ बाहर के लोग हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, हालांकि वैक्सीनेशन कैंप अब भी चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो अब भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जो कि एक बड़ा खतरा लोगों के लिए बन सकता है, और वैक्सीन से ही इस महामारी से बचा जा सकता है। ये साफ कर चुके हैं हेल्थ एक्सपर्ट कि अगर आपकी वैक्सीन लग चुकी है तो कोरोना अगर आपको होगा तो उसकी सीवियरिटी इतनी नहीं होगी, मोर्टिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे नंबर्स। तो यही एक कारण है कि कुछ लोगों को ये भी वहम हो गया है कि उनको दोनों डोज लग चुकी है तो उन्होंने प्रोटोकॉल पालन करना बंद कर दिया है। आपको दोनों डोज लग चुकी है, आपको बूस्टर डोज भी लग चुकी है, उसके बावजूद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अपनी जकड़ में ले सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसकी सीवियरिटी उसमें नहीं रहेगी, आपको जान का खतरा नहीं बनेगा, लेकिन बीमारी से बचना है तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और प्रशासन भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर पाले राम जी आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और खास तौर पर अब जो है इस बच्चे भी काफी संक्रमित पाए जा रहे हैं, स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इस बार जो जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं कितना घातक ये बच्चों के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को अभी वैक्सीनेशन भी नहीं लगी है, बच्चों का अभी वैक्सीनेशन सिर्फ शुरू हुआ है, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन भी नहीं लगी है। देखिए, अभी ऐसा कोई ज्यादा नोटिस में नहीं किया गया है कि अगर बच्चे इन्फेक्टेड हैं तो उनमें ज्यादा घातक सिम्टम है। बच्चे फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी काफी इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन ज्यादा सीवियरिटी बच्चों में नहीं देखी गई थी, और इस बार अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ये कोविड जैसे सेकंड वेव में था, काफी घातक हुआ था, इस बार इस बारे में नहीं कहा जा सकता। तो मैं बार बार यही कहा आपसे के चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखें, अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा ले, अगर पहली डोज लगवा ली दूसरी लगवा ले, और जिनको ड्यू है वो अपनी बूस्टर डोज भी लगवा ले। जी बिल्कुल, प्रवीण जी आपका रुख करना चाहूंगी, कई बच्चों को जो है वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया, तो वैक्सीनेशन का क्या कुछ अपडेट है गुरुग्राम में?
ये देखिए जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन गुरुग्राम जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, और उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि जो स्कूल्स हैं उनमें भी कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को 100% वैक्सीनेट किया जा सके। और जो शिक्षा विभाग है और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर स्कूलों को कहा गया है कि जिन बच्चों को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं उन्हीं को आप स्कूल में प्रवेश दें, जिन बच्चों को दोनों वैक्सीन नहीं लगी हैं उनको स्कूल में ना आने दिया जाए। और इसके साथ ही जो स्कूलों के अंदर बच्चों को बचाने के लिए जो 2 गज की दूरी का पालन कराए और बिना मास्क के कोई बच्चा स्कूल में ना आए। इसके साथ ही जो वैक्सीन की स्पीड बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, जहां सरकारी सेंटरों पर वैक्सीन लग रही है उसके अलावा स्कूलों में भी बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा रही है, और माँ बाप को बकायदा मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आपकी सेकंड डोज का समय हो गया, आप अपनी सेकंड डोज लगवाएं और अपने बच्चे को स्कूल भेजें। तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव है ये मामला, और जिसको लेकर लगातार सरकार अपनी तैयारी कर रही है कि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 100% वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि बच्चों को इस खतरनाक महामारी से बचाया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों जब हमारी जिला प्रशासन से बात हुई थी तो पिछले हफ्ते जो केस आए थे उसमें 15% बच्चों के केस थे, जिसके चलते जो है प्रशासन सजग हुआ था और ये गाइडलाइन स्कूलों के लिए जारी की गई थी ताकि बच्चों को इस महामारी से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, डॉक्टर पालेराम जी आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में WHO ने भी कहा है कि जून तक चौथी लहर आ सकती है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि बूस्टर डोज कितनी असरदार होगी अगर जो है नया वेरिएंट जो एक्सी वेरिएंट है वो अगर प्रवेश करता है या उसके मामलों में इजाफा होता है तो उस पर बूस्टर डोज कितनी असरदार है। बिल्कुल, देखिए मैम, जो भी ये बनते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है, इसलिए इसको बूस्टर डोज कहा, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड डोज लगती है उसके एंटीबॉडी का लेवल कुछ समय के बाद कम हो जाता है, तो ये बूस्टर डोज लगाते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी हमारे जो शरीर में बन जाते हैं, इसलिए बूस्टर डोज पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और वो 9 महीने या कुछ ऐसा ज्यादा कुछ समय कम ज्यादा है जब तक एंटीबॉडी रहती है, तो बूस्टर डोज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फोर्थ डोज बूस्टर डोज लगवाना भी। जी सर, जिस तरीके से गर्मी भी बढ़ रही है, ऐसे में कोरोना का एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ गर्मी का कहर है। अब लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, शीतल पेय का सेवन करते हैं, तो ऐसे में अब लोग कोरोना और गर्मी दोनों चीजों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, गर्मी का एक जो ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं उनका टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सा आदमी को रिलीफ महसूस होता है, बट ज्यादा ठंडा पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ठंडा भी जो बाहर के घर से बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल मार्केट में हैं या अन्य चीजें, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं। तो घर में ही रह के अगर आपको ठंडा पीना ही है, ठंडा पानी नींबू पानी बना के पिए, और ज्यादा जब धूप होती है तो कोशिश करें कि बाहर ना निकला जाए, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही निकलें, घर में ही रहें, और बाहर निकलते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना जरूर करें। जी बिल्कुल, प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर होते हैं, बाजारों की क्या कुछ स्थिति है, लोग किस तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ गर्मी है दूसरी तरफ कोरोना, ऐसे में लोग अब अपने आप को किस तरह से बचाते नजर आ रहे हैं, किस तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जागृति कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जागरूक कम नजर आ रहे हैं लोग, कुछ ही लोग हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं और कोरोना को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना अगर हम बाजार में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, इवन जो सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर है वहां तक में जो है कोविड प्रोटोकॉल की पालना होती दिखाई नहीं देती है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के साथ साथ लापरवाही भी लोगों की है, कि लोग पता होने के बावजूद जो है मास्क का प्रयोग नहीं करना चाहते। कई लोगों के पास बहाना होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो मास्क लगाते हैं तो काम नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हमें इस बीमारी से लड़ना है तो गर्मी को सहन करते हुए भी हमें मास्क का प्रयोग करना ही होगा। हालांकि बाजारों में गर्मी के चलते भीड़ जरूर कम है, जिसके चलते अभी संक्रमण में तेजी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मौसम में कुछ बदलाव आता है और उसके बाद जब भीड़ बढ़ेगी तो, और कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो बाजारों की अगर हम बात करें तो लापरवाही दिखाई देती है, और हमें इस लापरवाही को छोड़ना होगा और हमें नियमों का पालन करना होगा। जी बिल्कुल, प्रवीण जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है, उस पर जुर्माना भी कर दिया गया है, तो क्या उसके बावजूद भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, और अगर लोग लापरवाह है तो प्रशासन क्यों उन पर कड़े कदम नहीं उठा रहा है?
देखिए जागृति, प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश है कि कड़े कदम ना उठाए जाएं और लोग अपने आप जागरूक हो जाएं, क्योंकि जब प्रशासन कड़े कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ उंगली उठती है और सरकार की कोशिश तो कोरोना से बचाने की होती है, लेकिन सरकार पर लोग तरह तरह की बातें लगाते हैं कि सरकार बंदी से लगाकर लोगों का रोजगार खराब कर रही है। हम बाजार में देखते हैं कि जब कोई पुलिसकर्मी किसी बिना मास्क वाले व्यक्ति का चालान काटने की कोशिश करता है तो जब पुलिसकर्मी उनके सामने आता है तो वो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी मुड़ता है वापस तो वो मास्क उतार करके फिर जेब में रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर जिला प्रशासन का कहना है कि हर आदमी के साथ तो प्रशासन का कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत क्राउडी शहर है। तो कहीं ना कहीं लोग खुद जिम्मेवारी समझें, और देखिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है किसी भी चीज से मुकाबला करने के लिए, और इस कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला करने के लिए भी जन भागीदारी जरूरी है और उसमें हमें शामिल होना चाहिए, और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए खुद हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और हमारा चालान काटेगा, हम उसके बाद मास्क का प्रयोग करेंगे या उसके बाद हम कोविड नियमों का पालन करेंगे। हमें स्वयं संज्ञान लेते हुए इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे इफेक्ट जब इसका ज्यादा बढ़ेगा तो उसका सीधा असर हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर और हमारे रोजगार पर पड़ेगा, और वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ने वाला है, वो सब समाज के सब लोगों पर बराबर पड़ेगा। तो ये सामाजिक भागीदारी बनती है और हमें इसमें शामिल होकर इस महामारी की जंग को जीतना होगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर पालीराम जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोरोना के मामलों की बात की जाए तो अधिकतर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है, ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग होम आइसोलेशन में है वो किस तरह के खान पान का सेवन करें या वो क्या कुछ ऐसी चीजें ले जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और वो जल्दी कोरोना से रिकवर कर पाए। देखिए इसमें खाने पीने का तो कोई विशेष नहीं है, बाकी ज्यादातर ठंडी चीजों से बचे, बाजार की चीजों से बचे, घर में ही जो हेल्दी फूड है, प्रोटीन्स है, फ्रूट्स हैं, नींबू वगैरह है, विटामिन सी के जो कंटेंट्स है उनको ज्यादा प्रेफर करें, और घर वालों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, जो जिनको कोविड नहीं है उनसे गैप मेंटेन करें। और अब तो क्योंकि काफी लंबी स्टडी हो चुकी है तो 7 डेज का होम आइसोलेशन का जो पीरियड इसके लिए रिकमेंडेड किया गया है, तो पहले जैसे 14 डेज का होता था अब 7 डेज का किया है, तो 7 डेज जल्दी ही निकल जाते हैं, तो उनको अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट करके रखना चाहिए और खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल प्रवीण जी, प्रदेश में खास तौर पर गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम के लिए जल्द ही कोई नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं वो खुद निगाह रखे हुए हैं गुरुग्राम की पोजीशन पर और लगातार डेली बेसिस पर रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या स्थिति गुरुग्राम में बनती है। जहाँ तक कड़ी पाबंदियों की बात है तो कड़ी पाबंदियों को लगाने से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन बचता नजर आ रहा है, क्योंकि जब कड़ी पाबंदियाँ लगाई जाती है तो उसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ता है। तो प्रशासन की कोशिश है कि कड़ी पाबंदियां ना लगाई जाएं बल्कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो खुद अपने आप पर पाबंदी लगाएं, अपनी मूवमेंट पर पाबंदी लगाएं, जिससे कि सरकार को कोई कड़ा कदम ना उठाना पड़े, क्योंकि सरकार जब कड़ा कदम उठाती है तो उसका सीधा असर लोगों की रोजी रोटी पर पड़ता है। तो कोशिश यही है जिला प्रशासन की ओर से कि कोई कड़ी पाबंदी ना लगाई जाए, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो कड़ी पाबंदियां लगाने के लिए प्रशासन भी मजबूर होगा, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा ही जो है सरकार का पहला लक्ष्य है और उसके लिए जो कड़ी पाबंदियां हैं वो भी सरकार की ओर से लगाई जा सकती है। जी प्रवीण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या स्कूलों के समय में कोई बदलाव किया गया है, क्या स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए स्कूलों का समय में बदलाव किया गया है जिसका कारण भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही चल पाएंगे, एक ही शिफ्ट स्कूलों में लगाई जाएगी, क्योंकि गर्मी जिस तरह 12 बजे के बाद लगातार तेज टेम्परेचर हो जाता है काफी ज्यादा, 45 तक 46 तक आंकड़ा पहुंच चुका था गुरुग्राम में भी और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी 45 से ऊपर तापमान रहा था, तो जिसको लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि सभी स्कूल 7 से 12 बजे तक खुलेंगे और येलो अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी एक गाइडलाइन जारी की है कि 12 बजे से 4 बजे तक कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरह की लू चल रही है और जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है कहीं ना कहीं लोगों के हीट स्ट्रोक से बीमार होने का खतरा बरकरार रहता है।
जी बिल्कुल डॉक्टर पालेराम जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप जींद के डिप्टी सीएमओ भी हैं, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जा रही है, टेस्टिंग में कितनी तेजी से जो है टेस्टिंग की जा रही है और उसके जो रिजल्ट है वो कितनी जल्दी आ जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो बूस्टर डोज लगाई जा रही है उसका क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से उसमें तेजी लाई जा रही है ताकि जो है संक्रमण दर पर रोक लगाई जा सके। देखिए जो सैंपलिंग की बात है वो पहले की तरह ही सैंपलिंग हमारी कंटिन्यू है, इसमें जो आईएलआई या दूसरे फीवर के कफ वगैरह के जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं सैंपलिंग के लिए, और विद इन 24 आवर्स हम सैंपलिंग का जो रिजल्ट है वो मैसेज के माध्यम से सबके पास पहुंच जाता है। जहां तक वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की बात है उसके लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट इसके फायदों के बारे में आम जनता को बताया जा रहा है कि भी कितनी जरूरी है तो ये लगवाते हैं। और जैसे अभी 12 से 18 साल के बच्चों की जो बात हुई है उसमें स्कूलों को भी हम आइडेंटिफाई करके, और स्कूलों में भी क्योंकि अगले महीने से छुट्टियां हो जाएंगी तो हमारा जोर है कि जितने भी ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके जो इच्छुक है उनको अभी लगा दी जाए। जी बिल्कुल पालेराम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचाते हैं, ऐसे में कई जगहों से ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज तो लगाई लेकिन दूसरी डोज उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड से जो है अपडेट करवा दिया लेकिन बूस्टर जो है वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाई नहीं, क्योंकि लोग कई जगह पर जागरूक नजर नहीं आए, वो डरते नजर आए कि वैक्सीनेशन के बाद जो है तबियत खराब होती है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, वैक्सीनेशन के बाद लोग किस तरह से एहतियात बरते हैं कि जो उसके बाद तबियत बिगड़ती है वो ना हो। देखिए ऐसा मामला तो हमारे संज्ञान में नहीं है कि वैसे आधार से अपडेट करा दिया और किसी ने ना लगाई हो, फिर भी जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया कि चाहे बूस्टर डोज भी लगी है लेकिन कोविड का खतरा पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी अगर हमने बूस्टर डोज भी लगवा ली है तो जो अगर कोविड इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं तो जो ग्रीवियस सिम्टम जो आते हैं उनमें काफी कम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आमतौर पर देखा गया है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे अस्पताल प्रशासन किस तरह से जागरूक नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा मामले हैं, हालांकि अधिकतर जो मामले हैं वो फिलहाल होम आइसोलेशन के हैं, लेकिन फिर भी स्थिति कब बिगड़ जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे में अस्पताल प्रशासन किस तरह से जागरूक नजर आ रहा है और लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए जिला स्वास्थ्य विभाग जो है इस बात को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसको काबू करने के लिए सारी व्यवस्था जो है कर ली गई है। खुद सिविल सर्जन जो वीरेंद्र यादव है यहाँ पर, वो सिविल हॉस्पिटल के अलावा जो गुरुग्राम के बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनका खुद जाके दौरा कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन का हाहाकार दूसरी वेव में मचा था तो उस दौरान पीएसओ प्लांट लगाए गए थे, वो प्लांट चल रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन वो जनरेट कर रहे हैं उस सब का जो है डाटा जो है गुरुग्राम सिविल सर्जन ने लिया है, और इसके अलावा वहां पर कितने बेड हैं और कितने बेड रिजर्व किए जा सकते हैं ये सारी जो व्यवस्था है वो जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर ली गई है और जिला उपायुक्त के सारे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन बेड्स को ऑक्यूपाई किया जा सके और कोविड के मरीजों को दिया जा सके। तो ये पूरी व्यवस्था गुरुग्राम जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर कर रहा है, और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन साथ में एक मैसेज और भी जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया जा रहा है कि आप सावधानी बरतें तो ऐसी नौबत ही ना आए कि चौथी लहर जिसको हम मानकर चल रहे हैं वो आए ना, तो अगर सावधानी बरतेंगे तो लहर नहीं आएगी और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अधिकांश लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो अब जो एक सीवियरिटी जो कोरोना की थी वो काफी कम है, क्योंकि डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है उनका साफ कहना है कि जैसे कोरोना पहले कोरोना डेल्टा वेरिएंट पहले 2 या 3 दिन में जो है चेस्ट को पूरी तरह से कंजेस्ट कर देता था ऐसा अभी तक किसी मरीज में देखने को नहीं मिला है, तो साफ जाहिर है कि अभी सिम्टम माइल्ड हैं और अब जो केस मिल रहे हैं इसमें से अधिकांश केस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभी सीवियरिटी की बात नहीं है लेकिन फिर भी जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में बूस्टर डोज का क्या कुछ अपडेट है और 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है उसका तो आपने बताया कि स्कूलों में भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे किस तरीके से जो है वो इसके लिए जागरूक नजर आ रहे हैं, बच्चे किस तरीके से इसमें बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में भाग ले रहे हैं।
जी जागृति, सबसे पहले मैं बच्चों की बात करूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बड़े लोग जिस वैक्सीन को लगवाने से डरते नजर आ रहे हैं, बच्चों में वैक्सीन को लेकर खासा जोश नजर आ रहा है। बच्चे डर नहीं रहे हैं, बच्चे खुद जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्कूलों में कैंप लग रहे हैं वहां पर बच्चों से सिर्फ माता पिता से परमिशन ली जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि माता पिता वहां पर आए ही, और लगातार बच्चे अपने आप भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों से ही हमें सबक लेना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि वैक्सीन जब बच्चे लगवा रहे हैं तो हमें भी अपना वैक्सीनेशन पूरी तरह से करा लेना जी चाहिए। बिल्कुल तो प्रवीण जी, यहाँ पर गुरुग्राम आपको रोकना प्रशासन चाहूंगी, पाले राम जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अधिकतर लोगों में देखा गया, युवा वर्ग में देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों की तबियत खराब हुई, तो अब 12 साल से ऊपर की बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या उनमें भी इस तरीके के लक्षण आए कि वैक्सीन लगने के बाद उन लोगों की तबियत में कुछ बिगड़ी हो या तबियत में कुछ बदलाव आया हो? नहीं, बच्चों के मामले में अभी तक, खासकर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जींद की बात करूं, तो यहाँ कोई ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं है। और बड़ों के मामलों में भी अगर लाखों वैक्सीन लगी हैं, एक दो मामले में पर चांस की अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं आए हैं। हाँ, माइल्डली बुखार वगैरह थोड़ा 1-2 दिन 24 आवर्स की रेंज में हो जाता है, तो वो पैरास्टामोल लेते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चों में ऐसा कोई लक्षण अभी तक नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाले राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना अभी गया नहीं है, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।